फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन, जिस तरह से एजुकेशन के फंक्शंस हैं सोसाइटी के लिए और इंडिविजुअल के लिए, इसी तरीके से नेशन को बिल्ड करने के लिए, नेशन को डेवलप करने के लिए भी एजुकेशन कुछ फंक्शन प्ले करती है, जिसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज़ इनकल्केशन ऑफ सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर इंडिविजुअल को थ्रू एजुकेशन अपनी जनरेशन को आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाते हैं, आप उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं उनके, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो आपके क्या राइट्स हैं, आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं जो आपने परफॉर्म करनी है, और आपके लाइक आपके टैक्सेस पे करना है, आपने मॉरली प्रॉपर तरीके से बिहेव करना है, आपने सोशली किस तरह से इंटरेक्ट करना है, क्या सोशल जेस्चर्स हैं जो कि आपने शो करने हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट जो फंक्शन है एजुकेशन का टुवर्ड्स नेशन, दैट इज ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। आप बच्चों में जो लीडरशिप का एस्पेक्ट है वो इस तरह से ट्रेन करते हैं कि आप उनको सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करते हैं। जब आप सोशल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि कुछ आपकी सोसाइटी की ऐसे सफाई मुहिम आपने चलाई, तो हर एक बच्चे को उसमें इंक्लूड करना, ताकि फिर वहाँ से आप जज कर सकते हैं किस में कौन सी लीडरशिप स्किल्स हैं। फिर पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं उन डिबेट कंपटीशन में बच्चों को लेकर आना, रिलीजियस आपने मिलाद करवा दी, आप डिफरेंट अदर चीज़ें जो भी आपकी रिलीजियस हैं वो आप उनको इंक्लूड करवाते हैं, ताकि उन एक्टिविटीज़ के थ्रू, डिफरेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं, बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं कि जो जो जिसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं वो उसमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका थर्ड जो आता है फंक्शन, दैट इज़ नेशनल इंटेग्रेशन। नेशनल में आप जो आपकी डाइवर्सिटी है कल्चर में, आपके जो लोग हैं कंट्री में रहते वो डिफरेंट, आपके कलर, रिस्पेक्ट और कलर, कास्ट, लैंग्वेज, डाइट, ड्रेस, हैबिट्स और फिजिकल इन्वायरमेंट सबका एक एक अलग अलग है। तो जब आप एक साथ रहते हैं तो आपकी एजुकेशन आपको ये बताती है कि आपकी नेशन के जो डिफरेंट लोग हैं वो किस तरह से हैं और उनकी क्या रिस्पेक्ट करनी है, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं और उनकी क्या रिलीजन है, उनके लैंग्वेजेस क्या है, ड्रेस किस तरह से पहनते हैं, क्या उनके हैबिट्स हैं। आपको उनकी हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करना, थ्रू एजुकेशन ही आप इस चीज़ को इंटेग्रेट कर सकते हैं। इमोशनल इंटीग्रेशन है, देन एजुकेशन ट्रेन पीपल फॉर यूनिटी नॉट फॉर लोकेलिटी, फॉर डेमोक्रेसी नॉट फॉर डिक्टेटरशिप। आपको डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं लेके जाती है, एजुकेशन आपको बताती है कि आप किस तरह से आप किसी को एजुकेट करते हैं, तो आप किस तरह से अपने राइट्स को और दूसरों के राइट्स का ख्याल रखते हैं। देन एजुकेशन आपका जो फंक्शन प्ले करती है टुवर्ड्स नेशन, दैट इज टोटल नेशन नेशनल डेवलपमेंट, जिसमें आप बच्चे की सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल, मोरल डेवलपमेंट करते हैं, एजुकेशनल डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो एज अ होल टोटल जो उसकी नेशनल डेवलपमेंट हो सके और वो इस अपने इन डेवलपमेंट्स के साथ अपनी सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन सिटीजन साबित हो सके। सो एजुकेशन बहुत एसेंशियल इंग्रेडिएंट है हर एक के लिए, हर एक एज के लिए, स्टेज के लिए, हर एक इंडिविजुअल लाइफ के लिए। एजुकेशन आपकी इंडिविजुअल के और सोसाइटी की और नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और आप इसको एजुकेशन को रियल पनाकिया है जो कि सोशल एवल्स के लिए, कि आप थ्रू एजुकेशन आप उन लोगों को भी डिफीट कर सकते हैं जो कि आपकी सोसाइटी के लिए, जो आपकी नेशन के लिए हार्मफुल हैं। सो एजुकेशन इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन बिल्डिंग।